कुछ पाने की हो आस आस, कोई अरमा हो जो खास खास आशाएं। आज हम लेक्चर नंबर 5 में एंटर कर चुके हैं। आप सबका स्वागत है दोस्तों आज के लेक्चर में। मैं आप सभी को ग्रेट मॉर्निंग करना चाहता हूं। तो मेरी तरफ से आप सब के लिए ग्रेट मॉर्निंग कहते हैं कि हम रात भी हो तब भी ग्रेट मॉर्निंग ही करनी चाहिए, दिन हो तब भी ग्रेट मॉर्निंग, सुबह हो तो फिर तो ग्रेट मॉर्निंग करते ही हैं। अब एक बच्चा कह रहा है रात हो तो ग्रेट मॉर्निंग क्यों? बेटे जो हम बोलते हैं उसकी बातों के विचार हमारे मन में बनने शुरू हो जाते हैं। आपको मालूम है कि जब आप किसी को मॉर्निंग बोलते हो तो उसके अंदर ऐसा लगता है कि अभी जोश है, अभी समय है, अभी तो सुबह ही हुई है और मेरे अंदर फुल एनर्जी है और अभी बहुत सारा काम करना बाकी है। और बेटे अगर सुबह सुबह किसी को बोलो गुड नाइट गुड नाइट गुड नाइट, तो बेटे यकीन मानिए, करके देखना एक बार, आप यकीन मानिए उसके अंदर मन में विचार आएंगे थके हुए के, एनर्जी डाउन के, सोने के। तो बेटे मैं यही कह रहा हूं, चाहे सुबह हो चाहे दिन हो चाहे रात हो, आपने हर बार बोलना है ग्रेट मॉर्निंग ग्रेट मॉर्निंग ग्रेट मॉर्निंग ग्रेट मॉर्निंग। आइए हम इन्हीं बातों के साथ आज एक बार डाउट के सेशन में आएंगे। फाइनेंशियल डिसीजंस हम कर रहे हैं दोस्तों और इसका लेक्चर नंबर 5 हम डिस्कस कर चुके हैं। लेक्चर नंबर 5 हमने डिस्कस कर लिया था फाइनेंशियल डिसीजंस। लेक्चर नंबर 5 हम स्टार्ट करेंगे दोस्तों। मैं आज आपके सामने क्वेश्चन नंबर, आज की क्लास में हमने एक तो क्वेश्चन 9th करना है और फिर 11 से 16 तक के डाउट्स करने हैं। तो मैं आज कोई नया कंसेप्ट नहीं बताने वाला इस लेक्चर नंबर 5 में। मैं कहता हूं ये प्रैक्टिस का लेक्चर है, हम खाली क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे। बेटे कहते हैं प्रैक्टिस मेक्स द मैन एंड वुमेन बोथ परफेक्ट। प्रैक्टिस दोनों को परफेक्ट बनाती है। प्रैक्टिस मेक्स द मैन एंड वुमेन बोथ परफेक्ट। आइए दोस्तों, करत करत अभ्यास से जड़मति हो तो सुजान, करत करत अभ्यास से जड़मति हो तो सुजान, रसरी आवत जावत से, रसरी आवत जावत से सिल पर परत निशान। बेटे रस्सी के आने जाने से पत्थर पे निशान पड़ जाता है मेरे बेटे। तो आप तो वैसे ही बुद्धिमान हो, एग्जीक्यूटिव क्लियर करके आए हो ना बेटे, तो कैसे बुद्धू हो सकते हो? अगर बुद्धू होते तो इस लेवल तक पहुंचते ही नहीं। इसीलिए मैं आपसे कह रहा हूं थोड़ी सी हिम्मत दिखाइए, मेहनत कीजिए, काम हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 मैं आपके सामने खोल रहा हूं, आप एक बार देखिए पढ़िए। बड़ा ही अच्छा और अजीब सा, अजीब तो नहीं कहूंगा, हट के क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 9 बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लिखा नहीं है लेकिन सीएस सब में आ चुका है। AB Limited provides you the following figures. बेटे profit लिखा हुआ है 3 लाख और फिर लिखा less interest on debentures at the rate of 12%। इसका मतलब interest अब less कर रहे हैं। इसका मतलब जो profit है वो before interest और before tax है। वो जो profit की figure है वो before interest और before tax है। तो EBIT 3 लाख रुपए का है। लेस इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स, बेटे इंटरेस्ट लेस करके जो फिगर आ रही है उसको बोलते हैं ईबीटी, अर्निंग बिफोर टैक्स, लेस इनकम टैक्स 50% का रेट है। तो अर्निंग आफ्टर टैक्स 120, नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स 40,000, ईपीएस 3, एमपीएस 30, तो प्राइस अर्निंग रेशियो 10। द कंपनी हैज अनडिस्ट्रीब्यूटेड रिजर्व्स ऑफ 6 लाख।
इस कंपनी के पास 6 लाख के अनडिस्ट्रीब्यूटेड रिजर्व्स हैं। द कंपनी नीड्स 2 लाख फॉर एक्सपेंशन, 2 लाख रुपए चाहिए इस कंपनी को। दिस अमाउंट विल अर्न एट द सेम रेट एज फंड्स ऑलरेडी इंप्लॉयड। इसमें बेटे सेम रेट मिलेगा जैसा पहले इंप्लॉय किया गया है। यू आर इन्फॉर्म्ड दैट अ डेट इक्विटी रेशियो, डेट अपॉन डेट प्लस इक्विटी हायर देन 35%, हायर देन 35% विल पुश द प्राइस अर्निंग रेशियो डाउन टू 8। बेटे अगर डेट अपॉन डेट प्लस इक्विटी 35% से ज्यादा है तभी देख लेते हैं। यही एक इस क्वेश्चन का एक अट्रैक्टिव पॉइंट है, एक अट्रैक्शन है। ठीक है बेटे, पढ़ लीजिए, बाकी की बातें मैं बताऊंगा। पढ़ लीजिए क्वेश्चन नंबर 9th, ईमानदारी से पढ़िए। ठीक है जी, आइए इस क्वेश्चन की कुछ नई बातें हैं जो हमने सीखनी है। आइए क्वेश्चन नंबर 9th पढ़ लीजिए, मुझे लगता है पढ़ चुके हैं। मैं एक नई बात बताने जा रहा हूं इस क्वेश्चन में। पहली नई बात ये लिखी है, एग्जिस्टिंग कैपिटल इंप्लॉयड, existing capital employed is equal to existing equity share capital 40,000 into 10 is equal to 4 lakh, existing reserves existing reserves 6 lakh, existing debentures बेटे इसको निकालना होगा। 12 रुपए का इंटरेस्ट है तो 100 है, और 60,000 है तो कितना, 60,000 इंटू 100/12 बेटे 5 लाख के आगे डिबेंचर्स, आराम से बेटे, कोई जल्दी है ही नहीं। 5 लाख रुपए के डिबेंचर्स आ गए बेटे, टोटल आ गए बेटे 15 लाख। लिख लो बेटे आराम से, एग्जिस्टिंग कैपिटल इंप्लॉयड। ये ऐसी चीज तो क्वेश्चन नंबर 3 में भी की हुई है आपने, इसी बुक का क्वेश्चन 3 अगर आप देखें तो उसमें भी एग्जिस्टिंग कैपिटल इंप्लॉयड निकाली थी, 15 लाख रुपए एग्जिस्टिंग कैपिटल इंप्लॉयड आ गई। अब ये कंपनी कह रही है कि उसको 2 लाख रुपए की और जरूरत है, 15 तो है ही, 15 लाख रुपए तो है ही, 2 लाख रुपए की और जरूरत है, 2 लाख रुपए की और जरूरत है। तो बेटे 15 जमा 2 बेटे 17 लाख रुपए की इनको टोटल जरूरत है, मतलब 2 की जरूरत है तो 15 पहले के, तो 15 जमा 2 टोटल 17 लाख हुए। मतलब न्यू कैपिटल इंप्लॉयड इज इक्वल टू ₹17 लाख। ठीक है जी, आराम से बेटे। फिर वो कह रहा है कि कंपनी विल अर्न एट द सेम रेट, इसको अंडरलाइन कर दीजिए, सेम रेट, वर्किंग नोट नंबर 2, सेम रेट एज फंड्स ऑलरेडी इंप्लॉयड। वो कह रहा है जी ये कंपनी सेम रेट पे कमाएगी जैसे फंड्स पहले से ही इंप्लॉय किए गए। ठीक है जी, आराम से देख लीजिए।
तो मुझे मालूम होना चाहिए कि पहले कितने कमा रहे हैं। तो ठीक है जी, मैं लिख रहा हूं एग्जिस्टिंग रेट ऑफ रिटर्न इज इक्वल टू एग्जिस्टिंग ईबीआईटी अपॉन एग्जिस्टिंग कैपिटल एम्प्लॉयड इन 200। एग्जिस्टिंग ईबीआईटी अपॉन एग्जिस्टिंग कैपिटल एम्प्लॉयड बेटे 3 लाख रुपए एग्जिस्टिंग ईबीआईटी है और 15 लाख रुपए एग्जिस्टिंग कैपिटल एम्प्लॉयड है। तो बेटे ये आ गया 3 लाख अपॉन 15 × 100, ये 20% आ गया बेटे, 20%। इसका मतलब 17 लाख रुपए या जो 2 लाख रुपए और ऐड किए उस पे भी 20% की ही कमाई होगी। तो जरा ध्यान रखिएगा आराम से, 15 लाख पे भी 20%, तो 17 पे भी 20%, रेट सेम है, अमाउंट सेम नहीं है। तो लिखे वर्किंग नोट 3, न्यू ईबीआईटी, न्यू ईबीआईटी इज इक्वल टू न्यू ईबीआईटी इज इक्वल टू 20% इंटू 17 लाख। बेटे 3,40,000 रुपए आ गया, 17 लाख का 20%, 17 लाख का 20%, 3,40,000 रुपए आ गया, 3,40,000 रुपए आ गया मेरे बेटे। तो ये तो एक थे वर्किंग नोट 1, 2 और 3। अब मुझे 2 लाख रुपए जो चाहिए ना बेटे, उसके दो ऑप्शंस हैं। ये जो 2 लाख रुपए की रिक्वायरमेंट है, इसके दो ऑप्शंस हैं बेटे। एक तो इक्विटी शेयर्स इशू कर देंगे और दूसरा डेट इशू करेंगे। और बेटे डेट वो कह रहा है 14% भी इशू होंगे। अब बच्चे यहां पे गलती करते हैं, इक्विटी लिखा हुआ है, वहां पे लिखा है इशूइंग इक्विटी शेयर्स, ठीक है जी। लेकिन एक चीज बताइए, किस रेट पे इशू करेंगे इक्विटी शेयर्स, ये तो नहीं लिखा। और ये बात तो मैंने पहली क्लास में बताई थी, लेक्चर 1 में, आज लेक्चर 5 है। ये तो पहले लेक्चर में बताया था कि अगर आपको ये बात नहीं लिखी तो आप क्या करेंगे। वर्किंग नोट नंबर 5, इनकेस इशू प्राइस is missing, then assume market price as issue price। तो market price को issue price मान ले, ये मिसिंग है बेटे, ये बात मैंने पहले बताई थी। इन केस मार्केट प्राइस इज आल्सो मिसिंग, इन केस मार्केट प्राइस इज आल्सो मिसिंग, अगर मार्केट प्राइस भी मिसिंग है, देन अज्यूम फेस वैल्यू एज इशू प्राइस। तो बेटे फिर फेस वैल्यू को इशू प्राइस मान लेंगे आराम से बेटे। वर्किंग नोट नंबर 5 मैंने आपके सामने कर दिया, ठीक है जी। आइए तो यहां पर नंबर ऑफ शेयर्स निकाल लेते हैं। तो बताइए जी, 2 लाख नंबर ऑफ शेयर्स इज इक्वल टू 2 लाख्स अपॉन 30, याद है बेटे 6,600। मैं अब 7 लिख रहा हूं बेटे और डेसिमल्स में आ गया। शेयर्स विल बी इशूड बेटे 10 रुपए तो फेस वैल्यू होगा और बेटे 20 रुपए सिक्योरिटीज प्रीमियम होगा। आराम से बेटे
अगर आपने घर में किया हुआ है तो यहीं पे बच्चे गलती करते हैं कि वो इश्यू प्राइस 10 रुपए ले लेते हैं, जो कि गलत है। अगर मार्केट प्राइस 30 है तो फिर बेटे इश्यू प्राइस 10 क्यों लूं, मैं बेवकूफ हूं क्या? चलिए कोई बात नहीं, गलती करना अच्छी बात है, बार बार उसी गलती को दोहराना गलत बात है मेरे बेटे, आराम से लिख लीजिए, कोई टेंशन की बात नहीं। चलिए जी शुरू करेंगे। स्टेप वन, स्टेटमेंट शोइंग कैपिटल स्ट्रक्चर ऑफ अल्टरनेटिव प्रपोजल्स। लो बेटे, एग्जिस्टिंग इक्विटी शेयर कैपिटल 40,000 शेयर्स इंटू 10, 4 लाख, बेटे थोड़ी सी जगह छोड़ दो, रिजर्व्स एंड सरप्लस 6 लाख, बेटे डिवेंचर्स भी तो हैं, 12% डिवेंचर्स बेटे 5 लाख, बेटे न्यू डिवेंचर्स, अच्छा न्यू इक्विटी शेयर कैपिटल देखिए जी 6,667 शेयर्स हैं, ये दूसरा प्रपोजल है, और सिक्योरिटीज प्रीमियम 1,33,340, तो मैं लिख रहा हूं 1,33,330। लो बेटे इसमें शेयर कैपिटल नहीं है बेटे, अच्छा डिवेंचर्स 14% डिवेंचर्स, टू लैक्स। लो बेटे ये लो बेटे, स्टेप नंबर वन, 6 + 4 = 10 + 5 = 15 + 2 = 17 लाख, ये आ गया बेटे पहला स्टेप, तो मैंने कंप्लीट ही कर दिया, फर्स्ट स्टेप तो कंप्लीट कर दिया बेटे। स्टेप नंबर टू, आइए हम प्रॉफिटेबिलिटी स्टेटमेंट बनाए। स्टेप नंबर टू हेडिंग लिखिए प्रॉफिटेबिलिटी स्टेटमेंट ऑफ अल्टरनेटिव प्रपोजल्स। लो बेटे आराम से प्रिपेयर करेंगे ईबीआईटी, बेटे वो तो निकाल ही चुका था मैं, ये देखो ये निकाला बेटे 3,40,000, बेटे निकाला नहीं था 20%, 17 लाख रुपए का लेस इंटरेस्ट, इंटरेस्ट लेस करेंगे। बेटे 12% 5 लाख का, तो ये आ गया 60,000, और 2 लाख का 14%,
ये आ गया 28,000। तो बेटा 28 प्लस 60 कितना हो गया बेटे? ये हो गया बेटे 88,000, 88,000। 88,000, 88,000 चेक कर लीजिए। ईबीटी दो लाख 52,000 लेस टैक्स एट द रेट ऑफ 50%। चेक कर लीजिए 50% यानी टैक्स रेट। बेटे 1,26,000 ये आ गया बेटे 1,26,000 अर्निंग आफ्टर टैक्स। प्रेफरेंस डिविडेंड तो है ही नहीं, तो यही चीज होगी प्रॉफिट अवेलेबल टू शेयर होल्डर्स। नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स चेक करिए, नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स कितने होंगे? 40,000 है बेटे। पहले प्रपोजल में देखिए 40,000 तो 40,000। ईपीएस 1,26,000 डिवाइडेड बाय 40,000 ये आ गए बेटे 3 रुपए 15 पैसे। 3 रुपए 15 पैसे आ गए बेटे। प्राइस अर्निंग रेशो अभी प्राइस अर्निंग रेशो में मैंने एक नोट लिखवाना, एक रेशो की बात हो रही है अभी, वो देखते हैं। पहले आप प्रपोजल टू कंप्लीट कर दीजिए, इंटरेस्ट निकालिए, ईबीटी निकालिए, करिए जल्दी। इंटरेस्ट देखिए जी, ₹60,000 का इंटरेस्ट है। 2,80,000, 1,40,000, 1,40,000 बेटे। नंबर ऑफ शेयर्स देख लीजिए 46,667। आराम से बेटे, कोई जल्दी नहीं है। एक क्वेश्चन कम हो जाएगा, कोई घबराना किस बात का बेटे। 2.99 आ गया, बस अब प्राइस अर्निंग रेशो आई और एमपीएस आ गया, आंसर टेली होगा अब। लेकिन प्राइस अर्निंग रेशो के लिए एक बात उसने कही है, जरा पढ़ते हैं। वो कह रहा है इफ, मैं लिख के दिखाता हूं क्या बोलिया उसने। इफ डेट अपॉन डेट प्लस इक्विटी इन 200 इज ग्रेटर देन 35%, देन प्राइस अर्निंग रेशियो will be 8। Scenario 1 है बेटे, Scenario 1, if debt upon debt plus equity in 200 is greater than 35%, then price earning ratio will be 8। अभी देख लेंगे कितनी है। Scenario 2,
इफ डेट अपॉन डेट प्लस इक्विटी इन 200 इज लेस देन 35% देन प्राइस अर्निंग रेशो विल बी सेम। आराम से बेटे, आराम से बेटे, एक चीज बताओ, ये जो पहला केस है डेट अपॉन डेट प्लस इक्विटी, अगर 35 से ज्यादा है इसका मतलब डेट का प्रोपोर्शन ज्यादा है, इसका मतलब रिस्क फैक्टर ज्यादा है, इसका मतलब शेयर होल्डर्स अब उसमें कम पैसे लगाने में इंटरेस्टेड होंगे क्योंकि उसमें रिस्क ज्यादा है। ठीक है जी, तो आइए देखें क्या लिखा है यहां पे, देख लेते हैं पहला कौन सा डेट स्ट्रक्चर निकालेंगे। 7/17, 7/17 ऐसे भी लिख सकते हैं बेटे, देख लीजिए। 5 लाख एग्जिस्टिंग डेट है, 2 लाख नया है, टोटल कितना डेट है 7, और इक्विटी कितनी है 10, और टोटल कितना है 17, तो रेशो आ सकती है बेटे 7 लाख प्लस 10 लाख इंटू 100, तो पहली रेशो तो आ गई, और दूसरी रेशो 5 लाख प्लस 12 लाख इंटू 100। लो बेटे 7/17 इंटू 100 यार बेटे 41.17%, और 5/17 इंटू 100 या गया बेटे 29.41%। आराम से देख लीजिए, पहले केस में 35% से ज्यादा है इसलिए सेंटिमेंट्स वीक हो जाएंगे, इसलिए प्राइस अर्निंग रेशो 8 हो जाएगी, और दूसरे केस में 10 ही रहेगी, तो मैं यहां लिख रहा हूं बेटे 8 और 10। तो आइए 25.20 और 29.90, यही आंसर है बनाइए, यही आंसर है। अब आप रिकमेंडेशन लिख सकते हैं, मैं आगे चलूंगा, 10th हम कर चुके हैं। मैं चाहता हूं कि कुछ क्वेश्चन जो आप खुद करेंगे तभी बेनिफिट होंगे, जैसे 12th क्वेश्चन है इसका फुल आंसर दे दिया है, 13th का फुल आंसर दे दिया है, 14th, चलिए 14th का भी फुल आंसर दे दिया वैसे तो। चलिए जी मैं 11th एक करा देता हूं, तो 13th, 14th, 12th, 13th और 12th और 13th के तो फुल आंसर दिए हुए। चलिए कोई बात नहीं, 11th क्वेश्चन एक बार